नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों अब आप लोग हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं और अनअकैडमी पर हमें फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन मैंने आप लोग को लिंक प्रोवाइड करा दिया है, तो देन आप लोग वहां पर क्लिक करके वहां से हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर मैंने आप लोग के लिए CTET, UPTET और UPSS से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं आप लोग के मैथ्स और रीजनिंग के, तो बिल्कुल डिटेल वाइज टॉपिक वाइज मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। तो आप लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर भी हमारी वीडियोज़ को देख पाएंगे, तो बिल्कुल आप लोग हमें फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको यहां पर भी मिलते रहें। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस RRB NTPC की क्लास में। आज हम दोस्तों आज इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे और साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे कि किस किस टॉपिक से यहाँ पर कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कंप्लीट डिटेल हम आज RRB NTPC के बारे में आज हम आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज की हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, तो वीडियो को बिल्कुल बिना स्किप करके देखिएगा, ठीक है। अगर आप लोग बीच से स्किप करते हैं तो आप लोग इस प्रोसेस को समझ नहीं पाएंगे जो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि कितना पढ़ना है आप लोग को, कौन से टॉपिक पर ध्यान देना है, कितना किस पर ध्यान देना है, क्या क्या पढ़ना है, सारी बातें आज के इस वीडियो में आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो को, आइए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर RRB NTPC एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर बात करने वाले हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं इसके सिलेबस में जो आप लोग के कौन कौन से विषय जो हैं परीक्षा में शामिल होंगे, तो एक तो आप लोग को सामान्य जागरूकता पर ध्यान देना है, अंकगणित पर ध्यान देना और रीजनिंग पर ध्यान देना है, और 100 क्वेश्चन आप लोग के आएंगे इसमें, जिसमें आप लोग को 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग आपको बता दें तो प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंकों में से 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। यदि आप लोग के 3 क्वेश्चन अगर आप लोग गलत करते हैं इस एग्ज़ाम में, तो आप लोग का एक जो सही क्वेश्चन होगा उसको भी काट दिया जाएगा। ओके, तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो स्टेज फर्स्ट का एग्ज़ाम होगा इसके लिए आप लोग को 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, देख सकते हैं। और आप लोग के 40 क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे जनरल अवेयरनेस के, ठीक है। अभी मैं आप लोग को टॉपिक वाइज बताऊंगी कि किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में आएंगे। एक आएगा क्वेश्चन, 2 आएंगे, उससे 3 आएंगे, तो टॉपिक वाइज बताएंगे। तो बिल्कुल बने रहिए, मैथ्स में आप लोग के 30 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग में आप लोग के 30 क्वेश्चन, तो टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट फॉर एलिजिबल PWBD कैंडिडेट्स अ कम्प्लीट विद स्क्राइब, ठीक है। और आपको यहाँ पर बता दें फिलहाल ये तो नॉर्मली तो जो है 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, लेकिन 120 मिनट का टाइम उनको दिया जाएगा जो दोस्तों क्या है PWD कैंडिडेट्स हैं, ठीक है ना, उनको लिए दिया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बता दी। और जो स्टेज सेकेंड का एग्ज़ाम होगा दोस्तों, इसमें भी आप लोग यही 3 सब्जेक्ट रहेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसके लिए दोस्तों आप लोगों की टाइमिंग जो थोड़ी सी बढ़ा दी जाएगी, क्लियर है। तो ये देख सकते हैं आप लोग सेकेंड स्टेज का जो एग्ज़ाम होगा स्टेज सेकेंड का, तो इसके लिए दोस्तों आप लोग का जो है टाइम 90 मिनट ही दिया जाएगा, लेकिन इसमें क्या है 120 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि जनरल अवेयरनेस कैप किया दोस्तों क्या है 40 क्वेश्चन आके जो है 50 क्वेश्चन आएंगे, और मैथ्स और रीजनिंग के भी इसमें दोस्तों 35 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल हर एक क्वेश्चन जो यहाँ पर 1 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा, और नेगेटिव मार्किंग दोस्तों वही चल रही जो मैंने आपको बताई थी। अब ये टॉपिक दे रखे हैं जैसे कि मैथ्स में इतना पढ़ना है, रीजनिंग में टॉपिक वाइज दे रखे हैं, और आप लोग को जनरल अवेयरनेस में ये टॉपिक वगैरह दे रखे हैं। अब इनसे कितने कितने क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम चैप्टर जो बात करेंगे यहाँ पर कॉम्पिटेटिव जो है दोस्तों आप लोग का कंटेटिव और एप्टीट्यूड, यानी कि मैथ्स में, मैथ्स में दोस्तों आप लोग जानते हैं ये कुछ मैंने जो है स्कोर जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन जब मैंने कई सारे पेपर सेलेक्ट किए तो उनके उनको सर्च करने के बाद मुझे ये अंदाजा हुआ कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आप लोग के इस एग्ज़ाम में आएंगे और आप लोग को वेटेज देने की कहाँ कहाँ पर ज़रूरत है। तो देखिए जो क्वेश्चन सबसे पहले जो बात करेंगे यहाँ पर, ये पहले जो है स्कोरिंग है, आसानी से आप लोग इनको हल कर सकते हैं, और इनको सॉल्व करने में काम भी जो है टाइम भी जो है काफ़ी कम लगता है, और बिल्कुल सटीक आंसर भी आप लोग का आ जाता है। जैसे कि पहला चैप्टर इसमें सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन, इसके 4-5 क्वेश्चन आएंगे, और इसमें जो है आप लोग के बोर्ड मार्क्स के नियम पर आधारित और अंश यानी कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर, अनुमानित मूल्य और संकेतक व संकेत से रिलेटेड प्रश्न होंगे। उसके बाद आता है ब्याज, ब्याज में आप लोग के साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इनसे रिलेटेड आप लोग के 1-2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जो कि सरल यौगिक और रुचियों के किस्तों पर आधारित भी, तो किस्त वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं इंस्टॉलमेंट वाले। थर्ड चैप्टर है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, तो 2-3 क्वेश्चन इसके मिल जाएंगे आप लोगों को देखने को, जो गणना और मूलन मूल प्रतिशत समस्याएं। अगला चैप्टर है मिश्र अनुपात और समानुपात अनुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो 1-2 क्वेश्चन इसके आएंगे जिसमें आप लोग को सरल और मिश्रित अनुपात, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुपात पर समस्या से आधारित जो प्रश्न होते हैं उनको आप लोगों को सॉल्व करना होगा। अगला चैप्टर है औसत यानी कि एवरेज,
तो एवरेज के दोस्तों दो तीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जिसमें आप लोग का इस जो है इसमें औसत वजन, ऊंचाई, निशानदेही पर समस्याएं ये है। और अगला टॉपिक हमारा आयु यानी कि एज, तो द प्रॉब्लम ऑन एजेस, इसके भी आप लोग के एक दो क्वेश्चन इस एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो कुछ क्वेश्चन सरल थे और आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, स्कोरिंग तो रहते हैं, यदि उचित चरणों का सावधानी पूर्वक अगर पालन ना किया जाए तो इनको आसानी से हल किया जा सकता है, लेकिन ये टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं, जैसे कि जो है टाइम एंड वर्क, ठीक है ना, टाइम एंड डिस्टेंस, तो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आएंगे। अलजेब्रा आएगी इसमें भी पूरी की पूरी, प्रॉफिट एंड लॉस के दो तीन क्वेश्चन मिलेंगे आप लोग को, नंबर सीरीज के दो तीन क्वेश्चन आ जाएंगे, टॉपिक मैंने कंप्लीट भी कराए इसमें बहुत से, क्षेत्र में देखिए यहाँ पर एक दो क्वेश्चन आ जाएंगे जिसमें आप लोग के प्लेन फिगर समस्याओं जैसे जो है स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, इन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, आप लोग की आकृतियों से रिलेटेड आ सकते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों कठिन और हल करने में समय भी लगता है और इनके जो है हल होने में संभावना भी कम रहती है, तो ये आप लोग जान लीजिए, जैसे कि टाइम एंड वर्क और मिश्रित समस्याएं कुछ जो है मिश्रित, तो टाइम एंड वर्क में दोस्तों क्या है, कार्य कुशलता है, मजदूरी है, पाइप एंड, ठीक है ना, पाइप एंड सिस्टम, ये टॉपिक आएंगे और एक दो क्वेश्चन इसके भी पूछे जाएंगे। और मिश्रित समस्याएं जैसे कि दो या दो से अधिक अंकों की संस्थाओं या फिर मिश्रण से मिश्रण बनाने के लिए, ठीक है ना, कई सारे मतलब क्वेश्चन फॉर्मूले जो एक साथ यूज़ करना, तो इसके भी एक दो क्वेश्चन आप लोग इस एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको तैयार करना है, इन और किस किस टॉपिक को कितनी वेटेज देनी है तो मैंने ये आपको बता दिया है, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग को ध्यान देना है। अब दोस्तों बात करते हैं, हमारा अगला जो दे रखा है ये है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो फिलहाल दोस्तों RRB NTPC सिलेबस रीजनिंग के बारे में मैंने बिल्कुल डिटेल से टॉपिक वाइज ये बता दिया सारे टॉपिक कि किसमें कितना पढ़ना है, किसको आप लोग को कितना वेटेज देना है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे क्लासिफिकेशन, जिसके यहाँ पर एक जो है 0 से 2 क्वेश्चन आएंगे, इसमें आप लोग के संख्या पत्र और सार्थक शब्द आधारित प्रश्न, GK आधारित मूल्य प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर आएगा अगला चैप्टर समानता, जिसके 0 से 2 यानी कि 2 क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोग के एग्जाम में, जिसमें आप लोग के नंबर, सामान्य ज्ञान और पत्र पर आधारित प्रश्न आ सकता है। सीरीज आएगा, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है और यहाँ पर देख सकते हैं 0 से 2 क्वेश्चन ही रहेंगे सभी में। ठीक है, अगला है ब्लड रिलेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर भी पढ़ना है आप लोग को, कैलेंडर से बहुत क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, और आप लोग का दे रखा है ऑर्डरिंग और रैंकिंग, इससे भी दोस्तों शायद जो है आप लोग के एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाए। डायरेक्शन टेस्ट से दोस्तों 0 से 2 क्वेश्चन आते हैं। सार्थक क्रम में शब्दों की व्यवस्था करना है, तो ये है इसके 2 क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपको बता दें यह एक निश्चित कार्य पर एक निश्चित नियम का पालन करने का एक सार्थक आदेश हो सकता है। इसमें शब्द गठन 2 क्वेश्चन इसके आएंगे, तो दिए गए शब्द से यह पता लगाएं कि दिए गए विकल्प शब्द बन जाते हैं या फिर नहीं, जैसे कि आप लोग को एक वर्ड दे रखा होगा उससे आपको पूछा जाएगा इससे शब्द बनाया जा सकता है अन्यथा नहीं, तो वही चीज़ आपको बतानी है। मिसिंग नंबर से आप लोग का एक दो क्वेश्चन आ जाएंगे, इसमें मैट्रिक्स या फिर RX से लापता संख्या का पता लगाया जाता है। वैन डायग्राम से 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, पजल, एक पजल होता है, पजल से आप लोग के 2 क्वेश्चन आएंगे, और गैर मौखिक तर्क यानी कि नॉन वर्बल रीजनिंग के भी इसमें 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पैटर्न जो है पूरा चित्राधिकारित सादृश्य वर्गीकरण श्रृंखला और घन आधारित प्रश्नों से पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर RRB में जनरल अवेयरनेस की, तो इसमें आप लोग को क्या क्या पढ़ना है तो मैं आपको बता दूँ। फिलहाल RRB NTPC सिलेबस फॉर जनरल अवेयरनेस की भी जानकारी मैंने बिल्कुल डिटेल से आप लोग को नोट कर लिया आप लोगों के लिए, तो महत्वपूर्ण विषयों की प्रकृति व RRB NTPC सामान्य जागरूकता अनुभव के वेटेज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए देखते हैं। अब देखिए दोस्तों सामान्य जागरूकता में आप लोग को जनरल साइंस पढ़नी है, जनरल साइंस में आप लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये सब कुछ पढ़ना है, जैसे कि पर्यावरण, जीव जंतु, इनसे कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैंने इसके आगे लिख रखा है, जीवों में, पौधों में जीव प्रक्रियाएं, अनुवांशिकता और विकास, प्राकृतिक संसाधन, परमाणु और अणु, रासायनिक प्रतिक्रियाएं और समीकरण, एसिड एंड साल्ट, धातु और गैर धातु, आवर्त सारणी, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, ध्वनि, ऊर्जा के स्रोत, रोग पूछे जा सकते हैं, कारण, इलाज, इलाज, विटामिन्स पढ़ लीजिएगा, खास संसाधनों में सुधार, और अगला जैसे कि है करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस, तो करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस में आप लोग को पता ही है फिलहाल, उसमें आप लोग को बता भी रखा है। ठीक है, तो इसमें आप लोग को भूगोल, इतिहास, राजनीति, कंप्यूटर, खेल, साहित्य, पुरस्कार, किताबें और लेखक, विविध, इन सभी से रिलेटेड पढ़ना है और नोटिफिकेशन विस्तार से आपको दिया गया है। ठीक है, देखिए प्रश्न जो है याले आप लोग के करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस वाले ये काफ़ी कठिन होते हैं, ये बहुत ही विशाल क्षेत्र से पूछे जाते हैं, इसका क्षेत्र बहुत विशाल है, तो इस पर आप लोग को अधिक समय व्यतीत आप लोग जो है इस पर अधिक समय व्यतीत करते हैं, जैसा कि आपने इस बारे में पढ़ा है ये कहीं भी, लेकिन सटीक उत्तर अगर याद नहीं रखा जा सकता तो दोस्तों सटीकता कम होती है क्योंकि ये विकल्प भ्रमित होते हैं।
लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपको आते हैं तो इनको करने में भी टाइम कम लगता है और ये टाइम को आपके बचाते हैं। अगर नहीं आता है तो फिर आप लोग कितना भी सोचते रहिए वो तो नहीं आता तो नहीं आता है, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग की बात करें उनको आप लोग लगा सकते हैं, वो टाइम तो लेते हैं लेकिन आप लोग उनको अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो उनको लगा ले जाते हैं, लेकिन अगर ये नहीं आते तो इनको सॉल्व नहीं कर सकते। तो फिलहाल दोस्तों आज के इस एग्ज़ाम पैटर्न में और सिलेबस में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर कोई आप लोग की डाउट या क्यूरी हो एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को लेकर, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों अभी के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।